क्लास इलेवेंथ साइंस कॉमर्स वालों का इकोनॉमिक्स का एग्जाम हो गया है क्वेश्चन हमको मिलने में थोड़ा लेट हो गया इसीलिए इसका आंसर थोड़ा लेट से बना के बता रहे हैं आप लोगों को फिर भी आप लोग मिला सकते हैं आप लोगों ने कितना स्कोर किया ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में और चैनल पर पहली बार है और क्लास ट्वेल्व में बेहतर इकोनॉमिक्स की तैयारी करनी है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर ले तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं सबसे पहले आपका पहला क्वेश्चन जो आया था वो था कि अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा के प्रतिपादक थे तो कल्याण संबंधी परिभाषा के प्रतिपादक जो थे वो मार्शल थे 1890 में उन्होंने किताब लिखा था प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स और उन्होंने कहा था कि अर्थशास्त्र क्या है तो भौतिक कल्याण का विज्ञान है दूसरा क्वेश्चन है आपका विकास संबंधी की परिभाषा किसने दी तो विकास संबंधी जो परिभाषा है वो सेमुलसन ने दी थी तो दूसरा का आपका सी करेक्ट हो जाएगा तीसरा क्वेश्चन है सारणी के प्रारूप है तो सारणी के प्रारूप जो होते हैं वो सारणी संख्या शीर्षक मुख्य टिप्पणी सभी होते हैं इसलिए आपका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी इनमें सभी चौथा नंबर क्वेश्चन है सांख्यिकी शब्द का प्रयोग किया जाता है तो इसका प्रयोग एक वचन और बहुवचन दोनों रूपों में किया जाता है इसलिए आपका सी हो जाएगा ए और बी दोनों पांचवा नंबर है आपका क्वेश्चन लॉटरी विधि से इकाइयों का चयन किया जाता है तो ये क्या किया जाता है उसको हम लोग दैव निर्देश प्रणाली कहते हैं इसीलिए आपका पांचवा का ए हो जाएगा छठा नंबर है आपका निम्न में कौन से अच्छे प्रतिदर्श का आवश्यक गुण नहीं है तो यहां आपसे नहीं है पूछा जा रहा है तो आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा समग्र इकाइया सातवां नंबर है निम्न में से कौन सा चर खंडित है तो आपका छात्रों की संख्या जो है वो एक खंडित है आठवां नंबर है आपका सारनियन का आधार है तो सारनियन का जो आधार होता है वो वर्गीकरण होता है इसलिए आठवां का ए हो जाएगा नौवा नंबर है किसी पाई चार्ट के केंद्र पर कुल कोण होता है तो पाई चार्ट आप लोगों ने इस तरह का देखा होगा इसका जो कुल कोण होता है 360 डिग्री का होता है तो यहाँ आपका नौवा का सी हो जाएगा दसवां नंबर है उजवायन वक्र का दूसरा नाम है तो इसको हम लोग संचय आवर्ती वक्र के नाम से भी जानते हैं दसवां का ए हो जाएगा नंबर है आवर्ती वितरण के ग्राफ को कहते हैं तो इसको ग्राफ को हम लोग कहते हैं आयत चित्र बारह नंबर है आपका आयत चित्र किस श्रृंखला की आवर्ती वितरणों का रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण है तो ये आपका हो जाएगा सतत तेरा नंबर है सामांतर माद का सूत्र है तो सामांतर माद का सूत्र होता है एक्स बार बराबर सिग्मा एक्स बट्टा एन तो आपका सी आंसर करेक्ट है चौदह नंबर है आपका अंगणितीय माध्य है अंगणितीय माध्य क्या है तो माध ही है मतलब माध के बहुत सारे रूप है जिसमें अंगणिती माध भी आता है तो चौदह का ए आपका करेक्ट हो जाएगा पंद्रह नंबर है किसी वर्ग की उच्च एवं निम्न सीमा के अंतर को क्या कहते हैं तो उच्च सीमा जैसे जीरो से दस दस से बीस तो इसको ये होता है आपका उच्च सीमा ये होता है आपका निम्न सीमा इसको हम लोग क्या कहते हैं तो इसको हम लोग कहते है? तो लो हैं वर्ग अंतराल तो आपका ए करेक्ट हो जाएगा सोलह नंबर है सिग्मा एक्स पचास और एन है पाँच तो माध आपको ज्ञात करना मतलब एक्स बार ज्ञात करना है तो फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा एक्स बट्टा एन मतलब पचास बट्टा एन कितना है पांच तो पांच को पचास में भागा देंगे तो कितना आ जाएगा दस तो मेरा सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा दस सत्रह नंबर है किसी श्रेणी के उस मूल को क्या कहते हैं जो सबसे अधिक बार आता है तो सबसे अधिक बार आने वाला शब्द या फिर जो सबसे बड़ा संख्या होता है उसको हम लोग कहते हैं बहुलक तो यहाँ आपका सी करेक्ट हो जाएगा अठारह नंबर है परमाव विचलन का विचार निम्न में से किसकी देन है तो ये आपका काल पियर्सन की देन है तो, यह तो यहाँ पर आपका अठारह का ए हो जाएगा उन्नीस नंबर है आधार वर्ष में सूचकांक का मूल्य क्या होता है ये आपका आर्ट्स में भी क्वेश्चन आया था तो ये आपका सौ होता है बीस नंबर है आपका क्वेश्चन किनके सूत्र को सूचकांग निर्माण के लिए आदर्श माना जाता है ये क्वेश्चन भी आर्ट्स में आया हुआ था फीसर के सूत्र को हम लोग आदर्श निर्देशांक सूत्र कहते हैं इसीलिए बीस का बी हो जाएगा इक्कीस नंबर है आपका वी निर्माण किस क्षेत्र से संबंधित है तो वी निर्माण जो है वो द्वितीय क्षेत्र से संबंधित होता है तो यहां आपका बी हो जाएगा बाईस नंबर है आपका देश की लगभग कितनी आबादी कृषि क्षेत्र से आजीविका प्राप्त करती है तो ये जो है वो दो बट्टा तीन भाग हो जाएगा यहाँ बाईस का सी करेक्ट है ताईस नंबर है भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी तो अठारह को हुई थी ए इसका करेक्ट आंसर है चौबीस नंबर है योजना आयोग की नियुक्ति की गई थी तो योजना आयोग की नियुक्ति जो है 1950 में किया गया था अभी इसका नाम हो गया है नीति आयोग पच्चीस नंबर है भारत में औद्योगिकरण की प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी तो ये औद्योगिकरण जो है वो द्वितीय पंच पंचवर्षीय योजना में लागू की गई थी और ये है सो महालविस मॉडल पर आधारित योजना थी छब्बीस नंबर है आपका हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी तो हरित क्रांति की छियासठ सड़सठ है सड़सठ अड़सठ भी कहीं लिखता है लेकिन यदि आप किताब में देखिएगा तो आपका सड़सठ अड़सठ ही दिया रहेगा ये आपका करेक्ट है सत्ताईस नंबर है सुनहरी क्रांति संबंधित है तो ये फल से संबंधित है तो आपका सत्ताईस का सी हो जाएगा फल से अट्ठाईस नंबर है आपका नवरत्न क्या है तो नवरत्न जो है वो सार्वजनिक उपकर्म है उपकर्म मतलब उद्योग है सार्वजनिक उद्योग इसको हम लोग कर सकते हैं उनतीस नंबर आपका हो जाएगा देश में विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज मॉडल किस देश के मॉडल को ध्यान में रखकर अपनाया गया है तो ये आपको चीन देश को देखकर अपनाया गया है तो उन्तीस का आपका ए हो जाएगा तीस नंबर है विश्व निर्यात में भारत का हिस्सा है तो इसका भारत का हिस्सा वन पॉइंट सेवन प्रतिशत है तो डी इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इकतीस नंबर है नई आर्थिक नीति उन्नीस को कहा जाता है तो इसको हम लोग कहेंगे एस टर्न नीति कहा जाता है बहुत कोई यू टर्न नीति लगाए होंगे तो ये गलत हो जाएगा ये एल को यू टर्न नीति कहा जाता है जबकि यहाँ नई आर्थिक नीति पूछ रहा है तो आपका एस टर्न नीति हो जाएगा इसका मतलब इसका बी करेक्ट आंसर है बत्तीस नंबर है जैविक खेती में प्रयुक्त तो होता है तो जैविक चक्र पशु खाद और कीट खाद यांत्रिक खेती मतलब सभी होता है तो डी आपका हो जाएगा इनमें से सभी तैतीस नंबर है देश की मौद्रिक तथा बैंकिंग नीतियों में सुधार को माना जाता है तो किस तरह का सुधार माना जाएगा बैंक से संबंधित है मतलब पैसा कौड़ी वाला मामला है तो यह वित्तीय सुधार के रूप में जाना जाएगा सी आपका करेक्ट हो जाएगा चौतीस नंबर है आपका उत्पादन का सक्रिय घटक है तो उत्पादन का जो सबसे सक्रिय घटक होता है वो मानव पूंजी होता है तो ये आपका बी करेक्ट हो जाएगा पैंतीस नंबर है शिक्षा में लोगों को बढ़ बढ़ती है तो शिक्षा से लोगों को बढ़ती है मतलब शिक्षा से लोगों की बढ़ती है तो क्या बढ़ती है उत्पादकता दस्ता आय सभी बढ़ता है डी आपका नंबर करेक्ट हो जाएगा इनमें से सभी छत्तीस नंबर है आपका मनरेगा में कितने दिनों का रोजगार का प्रावधान है तो मनरेगा में सौ दिनों का रोजगार का प्रावधान प्रावधान है ये 2005 में यह अधिनियम बना था इसका अभी नाम पूरा नाम है महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम तो इसका नाम से ही पता चल रहा है ये एक कानून है जिसमें सौ दिन का रोजगार देने का प्रावधान है सैतीस नंबर है आपका किस वर्ष को महाविभाजन का वर्ष कहते हैं तो हम लोग 1921 को महाविभाजन का वर्ष कहते हैं अड़तीस नंबर है पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का स्वरूप है ये क्वेश्चन आर्ट्स में भी आया था लेकिन भारत के विषय में पूछा था तो भारत और पाकिस्तान दोनों में मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है मतलब निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों मिलकर यहाँ काम करते हैं तो आपका सी करेक्ट हो जाएगा उनचालीस नंबर क्वेश्चन है न्यून में से किस देश ने एक संतान की नीति अपनाई तो यहाँ हो जाएगा चीन कह कि विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला चीन ही है अभी फिलहाल भारत आ गया है, लेकिन अभी डाटा करेक्ट नहीं हुआ इसलिए चीन ही है और इसने एक संतान की नीति अपनाई थी चालीस नंबर और लास्ट क्वेश्चन आपका एस सॉरी एस एच जी है एक तो ये एक क्या है तो ये एक आपका है स्वयं सहायता समूह ग्रुप का नाम है तो यहाँ आपका 40 का बी हो जाएगा स्वयं सहायता समूह तो बच्चों आप लोगों ने कितना स्कोर किया जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ जय हिंद जय भारत